उधर पाकिस्तान के क्वेटा शहर में हुए एक धमाके में पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और बाबर आजम बाल बाल बच गए। धमाका उस वक्त हुआ जब वहां नवाब अकबर मुक्ति स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग का एक प्रदर्शनी मैच खेला जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे। लेकिन तभी मैच के दौरान ही स्टेडियम के पास धमाका हो गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान तुरंत मैच को रोककर सभी खिलाड़ियों को सुरक्षित ड्रेसिंग रूम में पहुंचाया गया। क्वेटा शहर के नवाब अकबर बुक्ती स्टेडियम के पास हुए इस धमाके में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर पुलिस वाले शामिल। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका पुलिस वालों को निशाना बनाकर किया गया, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली। इधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी लापता बताया गया, जिसकी तलाश में राहत और बचाव की टीम जुटी है। बताया गया कि लाहौल में चीका के पास एक दिन पहले बर्फीला तूफान आया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रहे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 3 दिहाड़ी मजदूर आ गए, जिनमें 2 मजदूरों के शव राहत और बचाव टीम ने बरामद कर लिए, जबकि एक का कुछ पता नहीं चल सका। उधर रूस की सेना ने पहली बार अमेरिका के नसाम्स एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। बताया गया कि एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के डोनेस्क में तैनात था, जिससे यूक्रेन की सेना रूस के हमलों को नाकाम कर रही थी। खबर है कि इसीलिए रूस ने अमेरिका के नसाम्स यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पिछले साल नवंबर में यूक्रेन को ये एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, जिसके दम पर यूक्रेन की सेना रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही ढेर कर पा रही थी। जंग में अमेरिका के इस हथियार का यूक्रेन ने भी लोहा माना था, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता अचूक है। अमेरिका के रक्षा मंत्री के मुताबिक नसाम्स ने यूक्रेन की तरफ आती रूस की मिसाइलों को 100% सफलता के साथ इंटरसेप्ट किया है। लेकिन अगर नसाम्स एयर डिफेंस सिस्टम को ढेर करने का रूस का दावा सही है, तो ये यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये यूक्रेन की सेना के लिए किसी कवच की तरह काम कर रहा था। इसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल के हमलों को नाकाम करने के लिए ही जाना जाता है। यही वजह है कि यूक्रेन ने अमेरिका से इसे देने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद उसे ये एयर डिफेंस सिस्टम मिला था। लेकिन अब रूस का दावा है कि उसने इस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ यूक्रेन के एक मिसाइल लॉन्चर को भी बर्बाद कर दिया। इधर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर ISC विक्रांत पर पहली बार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कामयाब लैंडिंग कराई गई, और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली लैंडिंग भी स्वदेशी एयरक्राफ्ट की ही कराई गई। INS विक्रांत पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की लैंडिंग पूरी तरह कामयाब रही। नौसेना ने लैंडिंग और टेकऑफ की तस्वीरें भी जारी की। उधर पाकिस्तान के कराची में सेंट्रल जेल के बाहर कुछ लोगों ने बलोच नेता अब्दुल हफीज जहरी को अगवा करने की कोशिश की। अब्दुल हफीज जहरी पर यह हमला जेल से रिहाई के तुरंत बाद हुआ। आरोप है कि जेल से निकलते ही वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें अगवा करने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि जब बलोच नेता अब्दुल हफीज जहरी कराची सेंट्रल जेल से बाहर आए, तो हथियारों से लैस कुछ लोगों ने उनका अपहरण करने की कोशिश की। इस दौरान बार बार फायरिंग भी की गई। जिस वक्त बलोच नेता अब्दुल हसीब जहरी जेल से बाहर निकले, वहां उनके साथ उनकी बहन और भतीजी भी मौजूद थी, जिन्होंने अब्दुल हफीज जहरी को बचाने की कोशिश की। लेकिन वीडियो में वो लोग उन दोनों को भी लात मारते दिखे। सारे एजेंसियां अंदर से आए और पुलिस हमें उतरने नहीं दिया। अब्दुल हफीज जहरी की बहन ने इस घटना के बाद अपने भाई की खून से लथपथ शर्ट दिखाई, हालांकि उन्होंने अब्दुल हफीज जहरी को अगवा होने से बचा लिया। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।